वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में पेश हुए मरकजी बजट को बताया आम शहरियों का बजट। कहा, बजट से किसानों, नौजवानों, ख्वातीन और आम लोगों की जिंदगी में आएगी रवानी, इक्तिसादियात को मिलेगी रफ्तार। वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में पेश किया माली साल 2020-21 का बजट। अपने खिताब में कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है मोदी हुकूमत। रियासत के सभी तबके के लोगों ने आम बजट को बताया मुस्बत और मुल्क के मफाद में। कहा, तवाजुन और राहत मुहैया कराने के साथ ही बजट में आम जरूरियात का भी रखा गया है ख्याल। और फिरोजाबाद के एडिशनल सेशन कोर्ट ने खातून पर एसिड अटैक के 3 मुलजिमान को 10-10 साल कैद बामशक्कत और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम मुतासिरों को मुहैया कराने की दी हिदायत। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में पेश हुए मरकजी बजट को आम शहरियों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, नौजवानों, ख्वातीन और आम लोगों के लिए कई इंतजामात किए गए हैं, जिससे उनकी जिंदगी में रवानी आएगी और मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को भी रफ्तार मिलेगी। उन्होंने वजीर मालियात निर्मला सीतारमन और उनकी टीम को बजट के लिए मुबारकबाद पेश की। नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत युवाओं को फिश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए नए मिशन की घोषणा हुई है। मैन मेड फाइबर को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया गया है। इस रिफॉर्म की पिछले 3 दशकों से मांग हो रही थी। आयुष्मान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है। इस सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स, उसके डेवलपमेंट, डॉक्टर हो, नर्स हो, अटेंडेंट हो, इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णय लिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने अनेक योजनाबद्ध रूप तरीके से प्रयास किए हैं। नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर पार्क्स हो, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो लिए गए हैं। इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा। इससे कबल मोदी हुकूमत की दूसरी म्याद का दूसरा बजट वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने पेश किया। ये खुद उनका दूसरा बजट है। बजट पेश करते हुए वजीर मालियात ने कहा कि यह आमदनी और खर्च की ताकत बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हर तबके की तरक्की मोदी हुकूमत का हदफ है। बजट 2020-21 में हर तबके के लिए कुछ खास है। Let our businesses be innovative, healthy and solvent with use of technology. For today's youth born at the turn of the century, for every member of the scheduled castes and scheduled tribes who seek a better life, for every woman wishing to stand up and get counted, for every individual from the minority sections of our society, this budget aims to give and have your aspirations and hopes addressed. वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अपने बजट खिताब में ऐलान किया कि 2020 में जीएसटी का आसान वर्जन आएगा, जिससे छोटे ताजिरों को आसानी होगी। इस मौके पर उन्होंने जीएसटी की तश्कील में अहम किरदार निभाने वाले आंझनी अरुण जेटली को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।
I pay homage to the visionary leader, late Sri Arun Jaitley. At the time of rollout of GST, he had said, and I quote, India will be an India. It will be an India, sorry, it will be an India where the center and states will work harmoniously towards the common goal of shared prosperity. अपने खिताब में निर्मला सीतारमन ने कहा कि हमारी हुकूमत सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई इक्तसादियात की क़यादत कर रहा है। मोदी हुकूमत की पहली मियादकार में हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमाएकारी मुल्क में हुई जिसने कारोबार को आगे बढ़ाया। The unanimity of the constitutional amendment and the consensus of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics for the nation's interest. With the GST, neither the state nor the centre loses its sovereignty. In contrast, they will pool their sovereignty on decisions on indirect taxes. Unquote. निर्मला सीतारमन ने किसानों की आमदनी दुगनी करने और जरिए शोबे में सरमाएकारी बढ़ाने के लिए 16 बड़े मंसूबों का ऐलान किया है। किसानों के मफाद में मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को रियासती हुकूमतों के जरिए नाफिज करवाया जाएगा। मुल्क में पानी के बहरान का सामना कर रहे 100 अजला में पानी के इंतजाम के लिए बड़ी स्कीमें चलाई जाएंगी। इससे किसानों को पानी की किल्लत के मसले से निजात मिलेगी। वजीर आजम कुसुम स्कीम के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों को ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। वजीर मालियात ने ज़राअत में फर्टिलाइजर के मुतवाजन इस्तेमाल पर जोर दिया है। बजट में किसानों को लेकर कई बड़े ऐलानात किए गए हैं जो किसानों की जिंदगी को तब्दील करने में मुआविन साबित होंगे। Our government is proposing comprehensive measures for 100 water stressed districts. Third of the 16. In the budget speech of July 2019, I had stated that Annadata can be Urja Data also. The PM Kusum scheme removed farmers' dependence on diesel and kerosene and linked pump sets to solar energy. Now I propose to expand the scheme to provide 20 lakh farmers for setting up standalone solar pumps. Further, we shall also help another 15 lakh farmers solarize their grid-connected pump sets. In addition, a scheme to enable farmers to set up solar power generation capacity on their fallow and barren lands and to sell it to grid would be operationalized. Speaker, sir, this is a major step forward in which we are saying that farmers, if they have fallow or barren lands now will be helped to set up solar power generation units so that they can then sell that which is being generated solar power to the grid and through the grid having given the power solar power from their barren land they will be able to make a living out of their barren land also. बजट पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 27 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सहूलत फराहम की गई है। इसके साथ ही रेलवे सेक्टर की तरक्की के लिए नए इकदाम उठाए जाएंगे जिसमें सोलर पावर ग्रिड रेलवे ट्रैक के किनारे बनाया जाएगा। 150 ट्रेन PPP मॉडल पर चलाने की भी तजवीज है। इसके अलावा तेजस जैसी ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। वहीं 148 किलोमीटर तवील बेंगलुरु सब अर्बन ट्रेन सिस्टम बनेगा जिसके लिए मरकजी हुकूमत 25% फंड मुहैया कराएगी। इस प्रोजेक्ट पर 18,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड टू अदर पैकेजेस वुड बी कंप्लीटेड बाय 2023। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे वुड आल्सो बी स्टार्टेड। सो द फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म एनकरेजेस अस टुवर्ड्स ग्रेटर कमर्शियलाइजेशन
of our highways so that NHAI can raise more resources. I propose to monetize at least 12 lots of highway bundles of over 6,000 kilometers before 2024. In carrying out its duty, the Indian Railways performs a service to the nation. Within 100 days of assumption of this government, it has commissioned 550 Wi-Fi facilities in as many railway stations. It has eliminated unmanned level crossings and aims to achieve electrification of 27,000 kilometers of tracks. This will call, obviously, for optimization of costs. Railways have small operating surplus. About Indian Railways, there are five measures, among other things, that I wish to highlight. Setting up a large solar-powered capacity. Setting up a large solar-powered capacity alongside the rail tracks on the land owned by railways. A proposal is under consideration. वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बजट में 69,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर मालियात ने मिशन इंद्रधनुष का जिक्र करते हुए कहा कि मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारियों से लड़ता है। वहीं पीएम जन आरोग्य स्कीम के तहत 20,000 से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं। इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। पीपीपी मॉडल पर अस्पताल बनाए जाएंगे। 112 अस्पताल उन जिलों में बनेंगे जहां पैनल में अस्पताल नहीं है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि साल 2025 तक भारत से टीबी की बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। One, welfare schemes with direct benefit transfer embedded in them. Two, sanitation and water as provision of basic needs and as a measure of preventive health care. Three, health care through Ayushman Bharat. Clean energy through Ujjwala and solar power. Fourth, fifth, financial inclusion, credit support, insurance protection to vulnerable sections and pension scheme. Sixth, digital penetration with broadband and UPI, and finally, affordable housing for all through PMAY, the Prime Minister Awas Yojana. The milestones achieved are unprecedented, globally recognized, and benchmarked against international indices. This strategy changed the established order of a few individuals, cornering most of the benefits, and was appreciated by the people. This had immensely positive outcomes. We have moved on from a growth rate of just over 4% in 1950s to 6% in 80s and in the 90s. However, during 2014 and 19, we clocked a growth of 7.4% on average, with inflation averaging around 4.5% instead. It is worthwhile to note that inflation was close to 9% in the हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए बजट में 3.6 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल से नाफिस करने का हदफ रखा गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स की शर्तों में तब्दीली की है। 5 से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% इनकम टैक्स की शरह मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने इनकम टैक्स देनदगान को पुरानी और नई शर्तों में इंतखाब का मुतबादिल भी दिया है। The tax proposals in this budget will introduce further reforms to stimulate growth, simplify tax structure, bring ease of compliance, and reduce litigation. Personal income tax and simplification of taxation. So, in the interim budget of 2019, our government exempted individuals having income up to 5 lakh of rupees from paying any income tax. Presently,
An individual pays 20% on income between 5 lakh and 10 lakh and 30% on income between 10 lakh. That's the prevailing matrix. पार्लियामेंट में पेश होने वाले आम बजट आज वाराणसी के लोगों के दरमियान बहस का मौजू बना रहा। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बजट की लाइव नशरियात को देखा। इस दौरान बजट देखने वालों में बैंक के अफसरान, महकमे सेहत से जुड़े लोग, इनकम टैक्स और एमएसएमई से जुड़े लोग शामिल रहे। बजट को लेकर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए वाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अनुज डिडवानिया ने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए सरमायाकारी की बात कही है, उससे आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वाराणसी के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर सुनील माथुर ने हुकूमत के जरिए टैक्स में दी गई छूट के बारे में बताते हुए कहा कि यकीनी तौर पर इसका फायदा टैक्स दहिंदगान को मिलेगा। वहीं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन राहुल मेहता ने कहा कि हुकूमत ने सियाहती मकामात को तेजस ट्रेन से जोड़ने का ऐलान किया है, इससे सियाहत को फरोग मिलेगा, साथ ही भारत की इकतसादी तरक्की को भी रफ्तार मिलेगी। बहुत अच्छा आया है, इन्होंने अब की बात जो टैक्स में बड़ा बदलाव किया है, जो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर उसके बाद अलग अलग रेशियो में बदलाव किया है, वो सामान्य जनता को और देश की जनता को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा उन्होंने डिविडेंड टैक्स जो ख़त्म किया है उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उन्होंने जो 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को दिया है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काफ़ी रोजगार उत्पन्न होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से 52% उद्योग देश के उससे संबंधित हैं, उसके कारण देश का विकास होगा, उसमें रोजगार बढ़ेगा। मांगे थी, उन मांगों को पूरा किया है। पहला तो जो ये मांग थी कि इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रेट कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स रेट कम कर दी गई थी पिछले वर्ष, तो इस बार इंडिविजुअल्स के लिए भी टैक्स रेट में कमी की गई है। और उससे आप देखेंगे कि सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपये की क्षति हो रही है, लेकिन इतना पैसा जनता के हाथ में आएगा तो उससे इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए पेश किए गए आम बजट को वाराणसी के ताजिरों ने शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि ये काफी मुतवाजन और राहत फराहम कराने वाला बजट है, इसमें आम जरूरियात का पूरा ख्याल रखा गया है। ये बजट काफी मुस्बत है और मुल्क के मफाद में है। बजट जो है इस बार व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बहुत ही बढ़िया जो है, और आशा के विपरीत, यानी इतनी अच्छी बजट आई है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग आशान्वित भी थे कि इस बार बजट अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार कॉरपोरेट सेक्टर को उन्होंने बहुत ज़्यादा राहत दिया था, छोटे और मध्यम व्यापारियों और उद्यमियों के लिए कुछ नहीं दिया था, मगर इस बार जो है हम लोग जो हर्षोल्लास के साथ बजट का जो वेलकम कर रहे हैं। आज के बजट में हुकूमत के जरिए सेहत के शोबे को तरजीह देने और मिशन इंद्रधनुष में अब 12 मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों को शामिल करके जच्चा बच्चा दोनों को सेहतमंद रखने का जो अज़्म जाहिर किया गया है, उस पर हरदोई के जिला अस्पताल में मौजूद बच्चे और उनकी माओं ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए अपना रद्द अमल जाहिर किया है। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर आरपी रावत ने बताया कि बजट के बाद अब 12 मुख्तलिफ अमराज, जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, खसरा, रोबेला, हेपेटाइटिस बी, दिमागी बुखार, रोटा वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस और निमोनिया के लिए टीकाकारी की जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में इन जानलेवा बीमारियों से बच्चों और हामला खवातीन को महफूज रखा जा सकेगा और बच्चों की शरयमवाद को कम करके मुल्क को सेहतमंद और खुशहाल बनाया जा सकेगा। अब बच्चों के 12 टीके लगेंगे बच्चे के स्वस्थ रहने के लिए, और बच्चों स्वस्थ रहेंगे। और अब योजना निकली है 12 टीकों की। हम 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करेंगे। अब तक हम प्रदेश में 79% बच्चों का टीकाकरण कर चुके हैं, जो कि प्रदेश स्तर के लगभग बराबर है। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए आज एक बार फिर मुल्क का आम बजट पेश किया गया। इस बजट का बरेली के लोगों ने खैर मकदम किया है। लोगों का मानना है कि ये बजट मुल्क की तरक्की में मददगार साबित होगा। इस बजट में इनकम टैक्स दहिंदगान को टैक्स स्लैब के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं मुल्क में बड़ी तादाद में किसानों को सोलर पंप मुहैया कराने जैसी तजावीज काबिल सताइश हैं।
जो बजट आया है केंद्र सरकार का, उसमें जो है कुल मिला के स्वास्थ्य पे एक अच्छा काम हुआ है कि जिसमें 12 बीमारियों को और लिया गया है मीडियम क्लास और गरीब आदमियों के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मीटर आए हैं बिजली के, इससे कई हद तक जो चोरियां हो रही थी, तमाम जगह बिजली की खपत में नुकसान हो रहा था, ज़्यादा बिजली आ रही थी और चोरी की वजह से जो है उनका सरकार का नुकसान हो रहा था, वो कहीं ना कहीं सरकार को उसका फ़ायदा मिलेगा। सरकार से पब्लिक को बहुत उम्मीदें थी, उस बजट को उन्होंने ख्याल रखा है। इसमें जैसे कि किसानों के लिए इन्होंने किया है, 5 लाख तक जो आय है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा, और 50 उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए उन्होंने किया, जैसे कि 150 संस्थाएं जो हैं एक मार्च 2021 तक तैयार करेंगी, ठीक है जब तक आती हैं, लेकिन उसमें डिजिटल प्रोग्राम बनाए जाएंगे, कई किया जाएगा, कई चीज़ों का अच्छा किया है। कुल मिला के बजट जो है ठीक है और सबका ख्याल रख के बजट बनाया गया है। एजुकेशन बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे युवाओं के लिए, और वैसे जनरल बजट चला, एक सबसे अच्छी चीज़ है स्वास्थ्य विभाग के लिए जो सुविधाएँ थी, इंद्रधनुष योजना थी उसमें और बीमारियां लाई गई हैं, ये गरीबों के लिए एक अच्छा मुद्दा, वो महत्वपूर्ण विषय है। इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है रेलवे का, ये भी मेरे ख्याल से सुधार हुआ है, देश में सुधार आएगा इससे, और स्पीड बढ़ेगी ट्रेनों की, और जिससे कम से कम लोगों को लाभ मिलेगा। फिरोजाबाद के एडिशनल सेशन जज जे सिंह पुंडीर ने एक खातून पर एसिड अटैक के 3 मुलजमान को 10-10 साल की कैद बामशक्कत और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुतासरा खातून के वकील अरविंद कुमार बघेल ने बताया कि एक मुस्लिम खातून को तलाक देने में नाकाम होने पर मुतासरा के शोहर, देवर और ननद ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया था। वारदात के दौरान मुतासरा का भाई भी तेजाब से जलकर जख्मी हो गया था। खुली अदालत में फैसला सुनाते हुए अदालत ने 3 मुलजमान को कसूरवार करार दिया। अदालत ने कहा कि कसूरवारों से वसूल की गई जुर्माने की पूरी रकम मुतासरा को दी जाएगी। केस चलने के दौरान मुतासरा के देवर की मौत हो गई थी। खातून के वालिद शमीम अंसारी ने अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए कहा कि यह फैसला समाज में दीगर बेटियों के साथ भी समाजी और मुजरिमाना वारदातों और एसिड अटैक जैसे जराइम को कम करने में मददगार साबित होगा। अपने भाई शहजाद आजाद और अपनी बहन अकला के साथ मिलकर अजरा पर एसिड अटैक किया, उसको चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनका गर्दन, चेहरा और हाथ और बदन पर एसिड पड़ा, बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई उनको। मुकदमा दर्ज कराया गया थाना उत्तर में, विवेचना हुई, चार्जशीट आई और एडिशनल सेशन जज कोर्ट नंबर 3 श्री जय सिंह कुंडीर साहब के यहाँ ट्रायल चला। आज माननीय न्यायालय ने 3 मुलजमों को, अंसार, शहजाद और आकला को 10-10 साल का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड दिया है। और माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि आजकल तलाक और एसिड अटैक की बात केस ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए जो भी फैसला आया हम उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और ये उम्मीद रख करते हैं कि आइंदा ऐसी घटनाएं ना हो बेटियों के साथ। तलबा और तालबात में किताब के मुताले के तहत दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से गवर्नर की हिदायत पर फतेहपुर जिले में लखनऊ पढ़ी की तर्ज पर पढ़े फतेहपुर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के जरिए अपनी दिलचस्पी के मुताबिक एक साथ एक वक्त में सभी स्कूलों में सिलसिलेवार तरीके से लाखों बच्चों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मौजू से मुतालिक किताबों का मुताला किया। जिला स्कूल इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चों के जहनसाजी के लिए निसाब से हटकर मुताले के तहत दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से ये स्कीम शुरू की गई है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों में साइंस के शोबे के तहत दिलचस्पी कम हो रही थी, इस प्रोग्राम से बच्चों में साइंस के तहत दिलचस्पी में इजाफा होगा। तो सभी बच्चे एक साथ बैठ कर के शिक्षण करें और इसमें शिक्षा, उनके शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होगी। इस बार इनको टॉपिक दिया गया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, आज के जीवन में, हमारे जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस टॉपिक पर आज सभी बच्चों ने एक साथ बैठ करके, चाहे वो हमारे माध्यमिक के हों या महाविद्यालय हों, और हालांकि बेसिक से भी कहा गया था लेकिन बेसिक से ज़्यादा इसमें सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन बाकी सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम आज। हमारे प्रदेश की राज्यपाल महोदया द्वारा आदेश किए गए पढ़े फतेहपुर के बारे में
बहुत अच्छा रुझान रहा, और जहाँ बच्चों का विज्ञान के क्षेत्र से रुझान हट रहा था वहाँ बच्चों को ग्रुपिंग करा करके और जो उनकी अभिरुचि थी उस पाठ के अनुरूप बहुत अच्छा लगा। विज्ञान हर क्षेत्र में अपनी उन्नति कर रहा है, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल के जरिए हम पढ़ भी सकते हैं। आजकल लोग जो पहले जैसे चिट्ठी लिखा करते थे और लोगों को भेजा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, कहते थे चिट्ठी दिया हो या तो कुछ भी काम करना होता था, आज फ़ोन में लोग मैसेज टाइप कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज चला जाता है। विज्ञान के द्वारा हमारे मानव जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। नई नई प्रकार की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे लोगों के साधन करने का समय भी कम हो रहा है और लोगों के समय की भी बचत हो रही है। लखनऊ की एक निजी यूनिवर्सिटी में चल रहे मैनेजमेंट फेस्ट मंथन का आगाज बैंड की पेशकश के जरिए हुआ। प्रोग्रामों में रक्स, गुलकारी, मजमून नवीसी, बिजनेस रैंप और तस्वीर के मजमू जैसे जुमरे लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। तलबा ने पूरे जोश व खरोश के साथ हर जुमरे के मुकाबलों में हिस्सा लिया। उनकी दिलकश पेशकश ने नाज़रीन को मसूर कर दिया। यूनिवर्सिटी तलबा की सलाहियत को उभारने में अहम मकाम रखती है। मंथन एक ऐसा फेस्ट है जिसका इंतजार तलबा को हमेशा रहता है। इसमें लखनऊ और दीगर शहरों से तकरीबन 400 शर्का ने हिस्सा लिया। आजमगढ़ में हुकूमत हिंद के वजारत बराए इत्तलात और नशरियात के राबतयामा ब्यूरो के जरिए आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल प्राइवेट पॉलीटेक्निक कॉलेज में एक अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी के तौर पर आजमगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल के सफाई मिशन के ब्रांड एम्बेसडर प्रणीत श्रीवास्तव और बच्चों समेत इलाके के मौजूद लोगों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में हुकूमत के जरिए अवामी बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमों के साथ ही सफाई मुहिम और उसकी अहमियत पर मेहमान खसूसी के जरिए रोशनी डाली गई और आने वाले चैलेंजेस के बारे में लोगों को बताया गया। इस मौके पर सवाल और जवाब के मुकाबले का इनेकाद किया गया और टॉप 25 शुरका को एजाज से नवाजा गया। प्रसारण विभाग के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पे पूर्वांचल प्राइवेट आई कॉलेज में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य था बच्चों को मोटिवेट करने का, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का। मैं बहुत बहुत ही बधाई देना चाहते हूँ जो भी इस संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, सरकार की नीतियों को बच्चों के बीच में उजागर कर रहे हैं ताकि हम जागरूक हो के और स्वच्छता के प्रति खूब अपना कार्य कर सकें और इस अभियान को आगे बढ़ा सकें। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सूचना प्रसारण विभाग को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो स्वच्छता पे अभियान किया गया, हम लोगों को ये टिफिन दिया गया है, इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं इस यहाँ के अधिकारी जो आए थे, जो मतलब ग्रुप के लोग, तो इन बताना चाहते थे कि ये स्वच्छता जो है, ये जो कूड़ा कचड़ा ये सब वगैरह है इसको बंद किया जाए, पॉलिथीन पे प्रतिबंध लगाया जाए और उसके जगह पे अपने घर के सारे मतलब ये थैले और अपने हाथ से बनाए हुए सारी चीज़ इस्तेमाल करें लोग, और ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और प्रदूषण कम हो। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद 23वें खेलकूद मुकाबले की अख्तितामी तकरीब में आज वज़ीर बराए जंगलात और जंगली जानवर और बागबानी दारा सिंह चौहान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क के नौजवानों को खेलकूद के तई रागिब करते रहते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कौमी सतह के खेलकूद मुकाबले होने वाले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के नौजवान रियासत का नाम रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चिड़ियाघर के फरोग और जदीदकारी के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत में बदउनवानी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। मंत्री ही काफ़ी प्रोत्साहित करते रहते हैं, जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं और ये तो हमारे विभाग का है, वन विभाग और वन निगम के संयुक्त प्रयास से, जो कि काफ़ी अरसे से ये गेम होता रहा है प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं बधाई दूंगा उन खिलाड़ियों को जिन लोगों ने इस प्रदेश के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच करके तमाम मेडल उन लोगों ने लाया है। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, शब बख़ैर।